नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th प्राविधिक कला के सी का सममिति चित्र, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहें तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको इसकी रिवीजन की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। सबसे पहले हमें एक स्केल लेना है और स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन यहाँ पर बना लेनी है। तो हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन बना ली है। इसके उपरांत हमें यहाँ पर एक चांदा लेना है और चांदे को इस प्रकार रख देना है। रखने के बाद एक तो इसके मिडल पॉइंट पर हमें एक बिंदु लगा लेना है, 90 डिग्री पर बिंदु लगा लेना है, इधर से 30 डिग्री पर और इधर से 30 डिग्री पर हमें यहाँ पर बिंदु बना लेना है। बिंदु बनाने के बाद इसके मिड पॉइंट से इन सभी बिंदुओं को हम बहुत आराम से मिलाएंगे, एकदम सीधा मिलाने का प्रयास करेंगे। जितना आप इसको साफ बना के आओगे उतने आपके नंबर कटने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि आर्ट में नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं। तो जितना आप साफ बनाओगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। और इसके बाद का पड़ाव है TGT आर्ट, जिसकी तैयारी भी आपको कराई जाती है। और हम आपको बता दें कि प्लेलिस्ट में आपको A से लेके Z तक के सभी के सममिति चित्र आपको मिल जाएंगे। इतना करने के बाद, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर होती है, तो हमें एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर 7 पॉइंटों पर टिक लगाना होगा। तो चलिए लगा लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और एक सातवां। इसी प्रकार इसकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1 टिक लेफ्ट साइड में। और इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो ये होती है चौड़ाई, तो हम यहाँ लगाएंगे 4 टिक। तो चलिए यहाँ पर भी हम 4 टिक लगा लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए, पहला टिक, दूसरा टिक, तीसरा टिक और एक चौथा टिक। अब हमें यहाँ पर इसके पैरेलल लाइन खींचनी है। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए आप हमेशा याद रखेंगे कि हम सेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप अंदाजे से लाइन खींचेंगे तो हो सकता है वो गलत हो जाए और जिसके आपके नंबर कट जाएं। तो पहले सेट स्क्वायर को आपको इस लाइन के एकदम बराबर रख लेना है और इसको पर्टिकुलर प्रेशर देना है, जिससे हिले डुले ना। और इसको इसके ऊपर रख के आप बड़े आराम से धीरे धीरे इसकी लाइन खींचेंगे। चाहे 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आप लाइन प्रॉपरली खींच के आएंगे। इस तरह से आप अंदाजे से इसको ऊपर बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो हमारी यहाँ पे लाइन खींच गई। इसी प्रकार इधर की तरफ जो हमारी मोटाई है, इधर की तरफ भी हम लाइन खींच लेंगे। चलिए, हमने लाइन खींच ली है। लाइन खींचने के उपरांत हमें एक काम और करना है कि जो लास्ट वाली लाइन है वहाँ पे भी हमें 7 पॉइंट लगाने हैं 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पे। तो चलिए लगाते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठवा पॉइंट और एक सातवा पॉइंट। और ये जो हमारी मोटाई वाली लाइन है यहाँ पर भी हमें 7 पॉइंट लगाने होंगे। सो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, छठवा और एक सातवां। अब हमें क्या करना होगा? अब जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पहला पॉइंट है और इसका जो पहला पॉइंट है लास्ट लाइन के, इन दोनों को हम मिला देंगे। बहुत आराम से हमें मिलाना है। मिला दिया हमने। इसी प्रकार से दूसरे को मिलाएंगे। आपको हल्की हल्की लाइनों का प्रयोग करते हुए मिलाना है, बहुत ज़्यादा इस पर डार्क नहीं बना देना है। ये मिल गई। मिलने के बाद इसके पहले पॉइंट से इसके पहले पॉइंट को मिलाएंगे हम। इतना हमारे यहाँ पे काम हो चुका है।
अब इसके बाद क्योंकि अब इसकी हमें मोटाई दिखानी है, तो लास्ट से जो पहली वाली लाइन है यहाँ पर हम एक सेंटीमीटर लेंगे, इस जगह पे आ गया, और एक सेंटीमीटर को हम इस जगह पर मिला देंगे, और मिलाने के बाद ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है ये वाला, इसके साथ हम इसको मैचिंग करा देंगे। बहुत आराम से इसकी मैचिंग हमें यहाँ पर करानी होगी, और इसके उपरांत अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे जिससे पॉइंट यहाँ पे मिल जाए, और ये जो कॉर्नर पॉइंट है इस पॉइंटों को हम यहाँ से मिलाते हुए चलेंगे, जिससे एकदम प्रॉपर फिगर हमारी यहाँ पर निकल के आ जाने वाली है। इसको इसके साथ मिलाएंगे, बिल्कुल टेढ़े टेढ़े मिलाते हुए चलने हैं हमें इस तरह से, और ये हो गया हमारा इतना। तो आप देख सकते हैं ब्लॉक तो हमारा पूरा बन के तैयार है। अब हमें यहाँ पर सी लेटर तैयार करना है। तो सी लेटर बनाने का एक रूल ये होता है कि आप ऊपर से दो खाने छोड़ देंगे, मतलब इस पॉइंट से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि आपको कम दिख रहा होगा इसलिए हम यहाँ पे पेन का यूज़ कर लेते हैं, एक इस पॉइंट का यूज़ करेंगे, नीचे से दो खाने, एक आप करेंगे इस पॉइंट का यूज़। अर्थात हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप स्केल लेंगे, और स्केल लेने के बाद ये जो हमारी लाइन है इसको आप डार्क कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर हम पेन का यूज़ करने वाले हैं जिससे आपको प्रॉपर दिख जाए, पर आपको पेन का यूज़ कदापि नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे देखें, इसके आगे वाला ब्लॉक क्या है, ये वाला है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हमने इस तरह से खींच दिया। इतना क्लियर होगा आपको। अब हमें आगे क्या करना है, इसी को हमें आगे बढ़ाते हुए चलना है, यानी कि इसी लाइन पर, तो ये जो इसी तीसरा वाला पॉइंट है इसको हमें डार्क कर देना है, और इसको यहाँ पर डार्क कर देना है, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब क्योंकि हमें पता है कि सी बनाने के लिए यहाँ पे गोलाई होनी चाहिए, और जितनी बेस्ट आप गोलाई दोगे उतना आपका अच्छा सी निकल के आएगा। तो ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच वाला, इसका हमें लेते हुए चलना है, तो हम यहाँ पर इससे ही गोलाई निकल के आई हमारी, और सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर इसको घुमा लेना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, तो अब हमें इस पॉइंट, यहाँ जो मिडल पॉइंट है इसको यूँ घुमाते हुए लाना है, तो इसको घुमा लेते हैं हम, और इसकी जो पॉइंट लेके आना है हमें कहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक लेके आना है। चलिए बहुत आराम से करना है, और इसको हम क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर सी इस तरह से नीचे से बन चुका है। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है, इन पॉइंटों को मिलाना है। तो बहुत आराम आराम से हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे, और इसी प्रकार से इसको थोड़ा हम गोल घुमा लेते हैं इधर की तरफ, और इधर की तरफ घुमाने के बाद इसको भी हम ऐसे ही घुमाते हुए लाएंगे। और इस पॉइंट को हम मिला देंगे इसके साथ में, तो हमारा एक तरफ का आधा सी बन के तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इधर की तरफ की जो लाइनिंग है वो भी यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो देखिए अगर हम इन तीन ब्लॉक को देखें, तो एक ब्लॉक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है, ऊपर से दो छोड़े और नीचे से दो छोड़े। तो इस लाइन को भी हम क्या करने वाले हैं, इस लाइन को भी हम थोड़ा हाईलाइट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया, पेन से थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिख जाए। इतना हमारा हो गया। इतना होने के बाद आप यहाँ देखिए, जो हमारा मेन पॉइंट था वो कहाँ पर था, इस जगह पर था। तो इसका मेन पॉइंट कहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी गोलाई करते हुए लेके आना है, बड़े आराम आराम से आप लाएंगे, और इसको डार्क करते हुए चलेंगे साथ के साथ। इधर गोल घूम गया, और इसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट को घुमाते हुए यहाँ तक लेके आना है। तो चलिए घुमाना स्टार्ट करते हैं, ये घूम गया, और इसको भी हम क्या करेंगे, हम डार्क कर देंगे। तो हमारा इतना पॉइंट बन के आ गया। इसके बाद अब हमें नीचे की तरफ से भी इसको क्या करना है, मिलाते हुए आना है। तो बड़े आराम से ये घुमाते हुए आएंगे, और इसको क्या कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी फिक्स सरफेसिंग होनी चाहिए जिसकी बदौलत ये प्रॉपर सी लगे। तो हमें यहाँ पे अब क्या करना होगा, हमें ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा इसके साथ मिला देंगे, और इसके साथ मिलाने के बाद ये जो अगला पॉइंट है यहाँ तक, इसके साथ इसको डार्क करेंगे,
और इसको मिला देंगे हम इसके साथ। ठीक है, इसके साथ मिलाने के बाद अब ये जो हमारे यहाँ तक पॉइंट है इसको थोड़ा घुमाते हुए लेके आएंगे, इससे प्रॉपर हमारा सी बन के आए इस जगह पे, और इसको हम कर देंगे डार्क। अब हमें यहाँ पर इसकी फाइनल फिनिशिंग करनी है, अर्थात इसकी शेडो देनी है। तो शेडो देने के लिए आप नॉर्मल ये करिए, इस तरह से आप यहाँ फिल करिए, तो यहाँ पे हमारा C1 के तैयार हो गया है। अब हमें इसका एक फाइनल काम करना है कि इसकी मेज़रमेंट और यहाँ पर लिख देनी है। तो चलिए मेज़रमेंट भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या करना होगा मेज़रमेंट लिखने के लिए, हम जो है यहाँ से लेके जो नीचे तक है, यानी कि यहाँ से लेके नीचे तक, बीच में हम थोड़ी गैपिंग कर देंगे इसकी, यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम यहाँ मेंशन करेंगे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि मेंशन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ इसकी अगर हम मोटाई रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। इसी के साथ सी का सममिति चित्र हमारा पूरा बनके तैयार हो गया है। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।